वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मेकअप जो होता है फाउंडेशन लगाने के बाद मेकअप काला हो जाता है, किसी पैची हो जाता है, केकीनेस हो जाता है, तो वो सब ना हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसमें मैं ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका मेकअप कभी काला नहीं होगा और मेकअप करने से फेस पे ग्लोइंग आएगा, ग्लो करेगा। तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें। तो क्या आइस क्यूब लेंगे और एक साफ कॉटन कपड़े का कपड़ा लेंगे और उसमें आइस क्यूब डालेंगे और इस तरह से पूरे फेस में अच्छे से रब कर लेंगे। इससे क्या होता है, इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और ग्लो भी करता है और पसीना बहुत कम आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पसीना आएगा, बट बहुत ही ज़्यादा कम आएगा और हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लॉन्ग टाइम तक टिकेगा और फेस भी ग्लो करेगा, फ्लॉलेस दिखेगा। तो इसे आप लोग जरूर ट्राई करें एक बार। पाँच मिनट तक ऐसा करें। हाइड्रेटिंग करने के लिए मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें, इससे मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और फेस भी ग्लो करता है। फेस पे बेस होना ज़रूरी है। तो मैं आज हिमालय का बेबी क्रीम लगाऊंगी बिकॉज मैंने एक दिन ट्राई किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सॉफ्ट फेस, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट लगता है, तो इसलिए मैं आज यही अप्लाई करूँगी। इसे अप्लाई करके 2 मिनट वेट करें। और प्राइमर के लिए मैं एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी और थोड़ा सा लेकर और इसे भी 2 मिनट वेट करेंगे। सिमरे से सेट पिक करके और फिंगर की हेल्प से सेट आईलिड पे ही ड्रॉ कर दूँगी। और इसे थोड़ा सा लाइट से ब्लेंड कर देंगे। लाइनर यूज करूंगी, ये है NYV का लिक्विड लाइनर। उसके बाद मैं मस्कारा यूज करूंगी। ब्लश के लिए मैं इसी पैलेट से कोई कलर पिक करके ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आप इस तरह से करिएगा तो मेकअप आपका कभी काला नहीं होगा और ग्लो भी करेगा मेरी तरह।